राधे राधे प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका अपना शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुभ व्लॉग्स में। तो आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे के, तो इसलिए व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से दर्शन हो सकें और ये पूरे गुरुद्वारे के बारे में जो भी जानकारी मुझे मिलती है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ये गुरुद्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस में पड़ता है। और वैसे क्या आपको पता है कि ये गुरुद्वारा पहले किसी का बंगला हुआ करता था? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किसका बंगला हुआ करता था। तो वैसे तो इस गुरुद्वारे के बहुत सारे एंट्री गेट हैं, लेकिन मैंने गेट नंबर 1 से एंट्री करी थी। तो एंट्री करने के साथ ही मुझे दिख गया ये फुटवेयर काउंटर, तो मैंने अपने फुटवेयर सबमिट कर दिए और मुझे मिल गया ये टोकन। तो अब टोकन लेने के बाद में हम आगे का गुरुद्वारा एक्सप्लोर करेंगे। श्री गुरुद्वारे में अच्छी खासी पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पटेल चौक पड़ेगा। पटेल चौक से गेट नंबर 3 से एग्जिट करने के बाद में इसकी दूरी मात्र 700 से 800 मीटर की रह जाती है। अगर आप राजीव चौक से आते हैं तो राजीव चौक से गेट नंबर 7 से एग्जिट करने के बाद में इसकी दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर की रह जाती है। अब हम इस गुरुद्वारे के इतिहास की बात करें तो ये गुरुद्वारा सिख धर्म के 8वें पातशाह श्री गुरु हरि कृष्ण साहिब जी से संबंधित है। सन 1664 ईस्वी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल था, उस समय ये राजा जय सिंह का बंगला हुआ करता था। तब राजा जय सिंह के निवेदन पर एक बार श्री गुरु हरि कृष्ण साहिब जी दिल्ली पधारे थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस गुरुद्वारे के बहुत सारे एंट्री और एग्जिट गेट हैं, तो दूसरे गेट से एंट्री करने पर कुछ इस टाइप के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। और ये गुरुद्वारा हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। तो आप किसी भी समय गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने के लिए इस गुरुद्वारे में पधार सकते हैं। और जब भी आप इस गुरुद्वारे में पधारें तो अपने वस्त्रों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको टोपी, निक्कर, कैप्री, सॉक्स या मिनी स्कर्ट्स में इस गुरुद्वारे में नहीं आना है। तो इसलिए आप अपने वस्त्रों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वैसे तो इस गुरुद्वारे में फ़ोटोज़ और वीडियो शूट करने पर पाबंदी है, लेकिन ये व्लॉग रिकॉर्ड करने के चक्कर में मुझे उस पाबंदी को तोड़ना पड़ा और इस कार्य के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मंदिर के समस्त सेवादारों से मैं अपने इस कार्य के लिए क्षमा मांगता हूँ। फाइनली अंदर से मैंने उतना ही शूट करा जितना कि इस व्लॉग के लिए ज़रूरी था। अंदर से ये दरबार काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है और एक अलग ही एनर्जी थी। तो आप भी इस गुरुद्वारे में आकर इस एनर्जी को खुद फील कीजिए। और ये है इस गुरुद्वारे का सरोवर। इस सरोवर की काफ़ी मान्यता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बाल गुरु श्री हरि कृष्ण साहिब जी के दिल्ली आने से पूर्व ही उनकी ख्याति पूरे विश्व भर में फैली हुई थी। इसी कारण से औरंगजेब उन्हें दिल्ली बुलाना चाहता था, लेकिन जब राजा जय सिंह और संगत के निवेदन पर ये बाल गुरु दिल्ली पधारे, उस समय दिल्ली में चेचक और हैजा नामक महामारी फैली हुई थी। और इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं था कि ये बाल गुरु अपनी औषधि व दृष्टि मात्र से ही लोगों के रोगों को हर लेते हैं। तो लाखों लोगों को रोगों से मुक्त कराने के लिए राजा जय सिंह के इसी बंगले के चौबच्चे के जल से गुरुदेव ने अपना चरण स्पर्श कराया और उस जल से लाखों लोगों को रोगों से मुक्ति प्रदान हुई। आज उसी स्थान पर ये गुरुद्वारा बना हुआ है। और इस गुरुद्वारे में प्रतिदिन लंगर लगता है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में अनेक धर्म और जाति के लोग आकर लंगर ग्रहण करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सरोवर में गुरुद्वारे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और ये वास्तव में ही बहुत ही खूबसूरत लगता है।
तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड और मिलते हैं फिर किसी न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना वगैरह सब कुछ आपकी अपनी इच्छा है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे भी करोगे तो आप वही जो आपकी अपनी इच्छा होगी। तो राधे राधे।